हेलो एवरीवन मेरा नाम निखिल है इस वीडियो में हम स्पेक्ट्रम जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है उसको कवर करेंगे लाइन बाय लाइन लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया था इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और लास्ट वीडियो हमने देखा था रिकॉर्ड्स ऑफ मॉडर्न इंडियन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं उसमें हमने ये भी देखा था कि प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज के बीच में फर्क क्या होता है हमने देखा था कि आर्काइव क्या होता है हमने देखा था कि आर्काइव बेसिकली Uh, एक टर्म है जो कि यूज़ की जाती है कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट्स के लिए जो कि जुड़े हुए हैं सरकार से सो so, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी तो उसको जाकर आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट आर्काइवल मटेरियल सो आर्काइवल मटेरियल को चार कैटेगरीज में बांटा गया है फ़र्स्ट कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स सेकेंड इज़ स्टेट गवर्नमेंट आर्काइव्स थर्ड इज रिकॉर्ड ऑफ़ द इंटरमीडिएट एंड दबॉर्डिनेट अथॉरिटीज एंड फोर्थ इज जुडिशियल रिकॉर्ड तो फर्स्ट कैटेगरी को देख लेते हैं ब्रीफली फटाफट से देख लेते हैं इनको सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स की बात करें तो नेशनल लेवल के आरकाइव्स होते हैं यानी कि एक बिल्डिंग होती है जहाँ पे सरकारी दस्तावेजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है संभाल के रखा जाता है जो सरकारी दस्तावेज होते हैं लेकिन ये कौन से दस्तावेज है जो कि केंद्र सरकार से जुड़े हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हैं अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें क्योंकि हमें ब्रिटिश uh, पीरियड को रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो अगर ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो हम देखेंगे कि वाइस रॉय या गवर्नर जनरल के लेवल के जो डॉक्यूमेंट्स uh, थे उनको प्रिजर्व करके कहाँ रखा जाएगा नेशनल आर्काइव्स में इंडिया के नेशनल आर्काइव की बात करें तो इंडिया का नेशनल आर्काइव न्यू दिल्ली में लोकेटेड है इससे पहले ये कैलकाटा में हुआ करता था उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स की तो ये स्टेट गवर्नमेंट के आर्क सर स्टेट में होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से जुड़े जितने भी डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड होते हैं वो इनके पास होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जैसे राजस्थान गवर्नमेंट का अपने अलग आर्काइव है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का अपना अलग आर्काइव है बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के अपने अपने आर्काइव्स होते हैं जहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है उसके बाद थर्ड कैटेगरी में वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे जो कि सेंट्रल और स्टेट से भी छोटे लेवल पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप बोल सकते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो आप बनना भी चाह रहे हैं आई ऑफिसर उस यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी यू नो डॉक्यूमेंट्स है वो हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं एंड फोर्थ कैटेगरी में बेसिकली जुडिशल रिकॉर्ड्स हैं जो कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सभी यू नो जुडिशल बॉडीज़ के डॉक्यूमेंट्स आएंगे रिकॉर्ड्स आएंगे जैसे कि कोई भी यू नो जजमेंट या बाकी चीज़ों की इसके अलावा हमारे पास और भी रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें प्राइवेट आकाइव्स बोलते हैं प्राइवेट आकाइव्स वो आकाइव्स हो गए जो कि पर्सनल हैं जैसे कि किसी की बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी या किसी का कोई लेटर जो कि बहुत पर्सनल है कोई डायरी इतनी पर्सनल चीज़ें प्राइवेट आर्कस में आती हैं इसके अलावा हमारे पास औरल सोर्सेज भी होते हैं और कुछ ऐसे सोर्सेज जो कि अब्रॉड में हैं। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी इंडिया की तो इंडिया में जो ब्रिटेन है ब्रिटेन ब्रिटिश आ, हुकूमत रही लेकिन ये ब्रिटेन ने जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए वो सिर्फ इंडिया में ही इतनी बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी डॉक्यूमेंट है जो कि उनके खुद के आर्काइव में तो इस तरह से हमारी खुद की इंडिया के इंडिया से जुड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विदेशों में भी हैं सबसे पहले अब बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स की सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया अभी बात की हमने जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल हाउस जो है हमारा इंडिया का उसी के पास लटिनस डेली में न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट के सामने अगर हम कृषि भवन की बात करें वहीं पर क्योंकि आई डिड माई यू नो मैंने भी वहीं से कोर्स किया सो आई न्यू इट बेसिकली एंड इसका पास का सेंट्रल मेट्रो स्टेशन की बात करें तो यू नो सेंट्रल सेक्रेटेट है एनी वे आई गेस दिस इज़ क्लियर टू यू गाइस सो बेसिकली नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया जो कि न्यू डेली में लोकेटेड है और सेंट्रल uh, गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉर्ड हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब यहीं प्रिजर्व करके रखे जाते हैं ये बड़ा ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स मटेरियल है जो अगर हम आर्काइव की बात करें क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रियल डॉक्यूमेंट्स हैं रियल वो यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे जा रहे हैं तो अगर मान लीजिए आज 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 कोई भी इम्पोर्टेंट कोई पॉलिसी आई लेट्स यू नो जीएसटी पर कोई पॉलिसी सरकार ने बनाई या फिर जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया तो उस पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं रिकॉर्ड्स हैं जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं रियल रिकॉर्ड वो आरकाईव में प्रिजर्व करके रखे जाएंगे और अगर हम इसके पाँच साल फ्यूचर की बात करें पाँच साल पचास साल बाद कोई हिस्टोरियन चाहे इन्हीं चीज़ों को वापस से जानना तो इन डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करेगा टू अंडरस्टैंड कि क्या साइकोलॉजिकल चीज़ें रहीं कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया या वो क्या सिचुएशंस थी जिसमें यू नो जीएसटी को लागू किया गया या बाकी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं उन सब पर सो द रिकॉर्ड विद द नेशनल आर कम अंडर द वेरियस ग्रुप्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ब्रांचेज द सेक्रेटरीट एड डिट स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट दिस एपेंड इज वर्क इंडिया कंपनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ब्रांचेस पब्लिक और जनरल

जिससे जुडिशरी का अलग से यू you नो know, डॉक्यूमेंट्स तैयार होंगे एडुकेशन से जुड़ा अलग होगा पब्लिक एंड जनरल अलग होगा रेवेन्यू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सीक्रेट एंड कमर्शियल चीज़ें अलग अलग होंगी इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जेम्स नैनाल जो कि यू नो फर्स्ट सर्वेयर जनरल थे इंडिया बंगाल के 1767 के यू पी से क्वेश्चन हो सकता है ध्यान रखिए तो ये 1767 में जो फर्स्ट सर्वेयर जनरल बने इन्होंने साइंटिफिकली uh, मैप किया अलग अलग रीजंस को तो ये ये हम क्यों जान रहे हैं देखिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फ़र्स्ट सर्वेर जनरल इम्पोर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए कि जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सर्वे हुए होंगे ब्रिटिश पीरियड में या जो सेंसस हुई होंगी या जितने भी चीज़ें वो हमें जानने में मदद कर सकती हैं कि उस समय का पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या रहा होगा कौन सा कास्ट ग्रुप कौन सा यू नो आज भी हम बात करते हैं ना इंडिया में बात हो रही है कास्ट सेंसस की और बाकी चीज़ों की माइनॉरिटी मेजोरिटी स्टेटस को लेकर कितना कॉन्ट्रोवर्सी रहता है तो वो सारी चीज़ें एंशियट टाइम मॉडर्न पीरियड में बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमें कम्युनलिज्म को समझना है हमें समझना है कि इंडिया में क्लास कॉन्सियसनेस कम्युनिज्म मार्क्सिज्म और यू you नो know, गांधी अम्बेडकर बाकी लोगों का कितना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा ये सारी आइडियोलॉजी का कितना इन्फ्लुएंस रहा उस सबको समझने के लिए पॉपुलेशन कंपोजिशन पता होना चाहिए पार्टीशन की बात करें तो हम जानते हैं कि ब्रॉडली पार्टीशन में भी सिंध पाक पंजाब एंड बंगाल का ही पार्टीशन हुआ ना तो अगर पॉपुलेशन कंपोजिशन पता होगा वो कैसे पता चलेगा सेंसस से इसके अलावा सर्वे से पता चलेगा कि कौन से रीज़न में कौन से लोग कितने कितने यू नो नंबर में रह रहे हैं पॉपुलेशन डेटा ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड स्पेशली टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिश पीरियड आई गेस दिस इज़ क्लियर एंड उसके बाद बात कर लेते हैं the proceeding of the public and the judicial legislative department provide ample data for studying and social religious policies of the colonial government the government's policy on the education and the growth of the education system during the colonial rule was mentioned in the education records of the central archives the paper bearing on the emergence of the national movement were part of the public series of the home department and records but in 1907 a new series of records home political was started to डील एक्सक्लूसिवली विद पोलिकल एंड कम्यूनल द रिकॉर्ड ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ इस वॉज यूजअली यूजफुल फॉर दिटिकल स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट फ्रामी टी टू नाइनटीन थर्टी फाइव थर्टी सेवन सो बेसिकली ये पूरा यहाँ पे बात की गई है किस तरह से जितने जुडिशल और लैजिस्टिव जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें मदद करेंगी क्या समझने में सोशल रिलीजियस पॉलिसी जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ पाए जिसे 1829 में लॉर्ड बेंटिंग ने सती को एबोलिश किया अब ये क्या है एक लेजिसटिव है यानी कि एक एक्ट है एक एक्ट लेकर आए एंटी यू नो सती एक्ट जिसमें सती को एबोलिश किया गया अब ये जो एक्ट था ये लेजिस्लेशन का पार्ट है यानी कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा क्योंकि जब ये एक्ट बना होगा तो इस पर डॉक्यूमेंट तैयार किए गए होंगे और वो डॉक्यूमेंट आज भी आर्काइव में प्रिजर्व है प्रिजर्व कर रखे कर रखे गए हैं अब ये जो एंटी सती जो ये सती को अबोलिश करने का जो लॉर्ड बेंडिंग का फैसला था और जो एक्ट लेकर आया गया 1829 में इस एक्ट को पढ़ करके हम समझ सकते हैं उस समय की रिलीजियस पॉलिसीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट की रिलीजियस पॉलिसीज़ कैसी थी क्योंकि तो सती एक रिलीजियस मैटर है सोशो के साथ सोशल मैटर के साथ साथ तो इस तरह से हमें हम देख सकते हैं कि लेजिस्लेचर के जितने भी यू नो इम्पोर्टेंट एक्ट्स एंड प्रोविजनस एंड पॉलिसीज़ हैं वो हमें सोसाइटी को समझने में मदद करती हैं और साथ में रिलीजियस पॉलिसीज को जो कि हमें हिस्ट्री में समझना है वी हैव टू रिकन्स्ट्रक्ट ना उस समय का सोसाइटी उस समय का रिलीजियस एटमोसफेयर उस समय का इकनॉमिक चीज़ें और जितना भी यू नो साइकोलॉजिकल फिलोसफिकल वो सारा आस्पेक्ट को हमें समझना है इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बाद इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम की ग्रोथ को हम समझ सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में मैकोले मिनट हम सभी ने पढ़ा है सबको याद होगा 1835 का मैकोले मिनट एंड बाकी सारी चीज़ें उसके अलावा फ़ंड प्रोवाइड करना हम देखेंगे किस तरह से पहली बार इंडियन ही नहीं बल्कि ब्रिटिश हिस्ट्री में भी इतना फंड एलोकेट किया गया स्टेट स्पॉन्सर्ड एजुकेशन शुरू की गई फिर हंटर कमीशन हम देखेंगे तो इस तरह से सरकारी दस्तावेज हमें इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सहायता करते हैं क्योंकि अगर हम बात करें हंटर कमीशन की अगर हम बात करें मैं कोल मिनट की तो मैं कोल मिनट भी एक डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि सरकार की क्या नीतियाँ होंगी शिक्षा को लेकर इस तरह से हमें पता चलेगा कि सरकार क्या चाहती है शिक्षा को लेकर तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है इसलिए आर इसके बाद इन्होंने बात की हुई है कि बाकी uh, चीज़ों के बारे में जैसे कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री को समझने के लिए नाइनटीन और ट्वेंटी नाइनटीन थर्टी सेवन की बिच का टाइम पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं नाइनटीन नाइन्टी से मॉन्टेंक्यू चेंडर फॉर्म आया जो कि डी डिवोल्यूशन ऑफ़ पावर की बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात करता है इसके अलावा नाइनटीन थर्टी सेवन में अगर हम बात करें तो नाइनटीन थर्टी फाइव का एक्ट सभी को याद होना चाहिए जिसमें हम जिसमें हमारा आज का कॉन्स्टिट्यूशन का भी बहुत बड़ा हिस्सा इधर से लिया गया है फेडरलिज्म का कॉन्प्ट वास्तः फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लेजिस्टिव इन बाई कैमरािज्म ये सारी चीज़ें नाइनटीन थर्टी फाइव के एक्ट से ली गई हैं अगर आप यू पी एस सी के एस्टूडेंट हैं आपने पोलिटिकल साइंस पढ़ रहे होंगे सो यू आपको मालूम होंगी ये सारी चीज़ें एंड आप रिलेट कर पा रहे होंगे सो so, आगे बात करते हैं विद द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के आरकाइव की बात करें तो इसमें हम देखेंगे तीन कैटेगरी से तो वो फर्स्ट कैटेगरी में वो प्रोविंसेस आएंगे जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का पास पार्ट रहे जैसे कि जैसे कि हम यूपी का एग्जांपल ले सकते हैं बेसिकली यूपी को पहले बोला जाता था यूनाइटेड ब्रिटिश शहरा में यूनाइटेड प्रोविंस एंड अब वो क्या बोला जाता है यूपी तो उत्तर प्रदेश का खुद का एक प्रोविंशियल यू नो आर्काइव है और ब्रिटिश पीरियड में वो यूनाइटेड प्रोविंस था नाम भले ही बदल गया लेकिन पहले भी उसके पास एक आरकाइव था और अभी भी इस तरह से सेकेंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें प्रिंसली स्टेट्स आ जाएंगे प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली यू you नो know, जैसे कि राजपूत की बात करें या बाकी जगह की सिंध या लाहौर के आसपास जितने भी प्रिंसली स्टेट रहे उनके भी जुड़े हुए आर्काइव्स इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके बाद फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ब्रिटिश पीरियड के अलावा यू नो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि विदेशी साक्ष्यों या स्रोतों का इस्तेमाल किया जा सकता है इसमें रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है जैसे कि खालसा दरबार जो कि लाहौर से जुड़ा हुआ है किंगडम ऑफ लाहौर से जुड़ा हुआ है जो कि एक तरह से आर्काइव का काम कर रहा था उस समय अगर मराठा की बात करें तो मराठा का भी इन्होंने एक रेफरेंस दिया हुआ है जिसका जिसको बोलते थे पेशवा दफ्तर जो कि एक तरह से काम करता था आर्काइव की तरह स्टेट लेवल का आप कह सकते हैं जो पेशवा के बारे में भी हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने में, में मदद करता है उसके बाद ही इन्होंने बताया हुआ किस तरह से प्रिंसली स्टेट का एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर इन सब के अगर राजस्थान स्टेट आरकाईव की बात करें जो कि बीकानेर में है वैसे ही जम्मू कश्मीर का आर्काइव जम्मू में है इसी तरह से इन्होंने बाकी बात की हुई है आर्काइव ऑफ थ्री प्रेसिडेंसीज देख लेते हैं तो सबसे पहला प्रेसिडेंसी फोर्ट विलियम है द अर्ली रिकॉर्ड ऑफ द फोर्ट विलियम जो कि बंगाल प्रेजिडेंसी है लॉस्ट ड्यूरिंग द कैलकटा इन नाइनटीन इन सेवनटीन फिफ्टी सिक्स बट द आर्क ऑफ द बंगाल प्रेजिडेंसी आफ्टर द ब्रिटिश विक्ट्री एट द प्लासी प्लासीड मोर और लेस यू नो

लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बंगाल था क्योंकि बंगाल एक सेंटर रहा पॉलिटिकल पावर का क्योंकि हम सब जानते हैं कि 1757 में बंगाल ने सब बंगाल को सबसे पहले कॉन्कर किया गया ब्रिटिशर्स के ब्रिटिशर्स के द्वारा तो इसलिए जो ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज है डॉक्यूमेंट्स हैं या सेंट्रल लेवल की भी क्योंकि हम आ, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गवर्नर जनरल का एक जो पोस्ट होता था वो सेंट्रल लेवल का पोस्ट होता था ब्रिटिश एम्पायर में ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर इसके नीचे गवर्नर्स हुआ करते थे तो बॉम्बे और मद्रास के जो हेड हुआ करते थे उनको गवर्नर्स बोला जाता था लेकिन जो बंगाल के हेड हुआ करते थे उनको गवर्नर जनरल बोला जाता था एक तरह से आप कह सकते हैं सेंट्रल लेवल बंगाल को दिया हुआ था तो इसलिए बंगाल के जितने भी पॉलिसीज हैं वो एक सेंट्रल लेवल की आप मान सकते हैं इवन नाइनटीन नाइनटीन में जब डेली ट्रांसफ़र की गई थी कैपिटल उससे पहले नाइनटीन से पहले कैलकटा कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की तो इस तरह से आप कह सकते हैं पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो बेंगोल एक सेंटर रहा पावर का इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेंगोल के डॉक्यूमेंट्स आज हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी हैं ठीक है यानी कि जो बंगोल के उस समय की हिस्ट्री के जितने भी यू नो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं वो बंगोल की आर्कर्व के पास भी हैं और नेशनल आकार के पास भी हैं नेशनल आरकर्व के पास, पास इसलिए क्योंकि वो नेशनल लेवल के इम्पोर्टेंस के भी हैं क्योंकि हम देख चुके हैं कि बेंगोल का नाइनटीन ओ इलेवन से पहले एक नेशनल इंपोर्टेंस हुआ करता था इंडियन पॉलिटिक्स में आगे बात करते हैं द रिकॉर्ड ऑफ द मद्रास प्रेजिडेंसी बिगेन फ्रॉम सिक्स हंड्रेड सेवेंटी एट डी इंक्लूड्स रिकॉर्ड ऑफ द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन दिस रिकॉर्ड देर आर प्लेंटी ऑफ द इंफॉमेशन बीरिंग ऑन द राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पोलिटिकल पान द साउथ एंड इन दिन इंक्लूडिंग द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल एंड द इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट द अदर इंडियन पावर्स द अब यहाँ पे पूरा मद्रास का दिया हुआ है मद्रास को इन्होंने मद्रास को हम बोलते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड सिक्सटीन सेवन के बाद का जितना भी यू you नो know, मद्रास की हिस्ट्री और मद्रास की हिस्ट्री इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि हम सब जानते हैं कि मद्रास एक यू you नो know, कहीं ना कहीं एक, एक एरिया रहा जहाँ पर एंग्लो फ्रेंच राइवलरी हमें देखने को मिली जहाँ पर ब्रिटिश और फ्रेंच की राइवलरी भी हमें देखने को मिली तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस समय के पीरियड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मद्रास

कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पॉलिटिकली आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी एंड यू नो बॉम्बे प्रेसिडेंसी मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी तो अगर हम बात करें बंगाल की वो पूरा ईस्ट इंडिया को कवर करें साउथ की बात करें तो मद्रास कवर करता है एंड वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कवर करती थी तो उस समय के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे बॉम्बे के पास यानी कि आज की हमारी मुंबई में आर्कस ऑफ अदर यूरोपियन पावर देख लेते हैं फटाफट से द आर्कस रिलेटेड टू द पॉर्चुगीज़ रिजर्व इन गोवा मेनली बिलोंग टू दीरियड फ्राम सेवनटीन ओ टू नाइनटीन सेंचुरी आर वैल्यूएबल फॉर द हिस्ट्री ऑफ द पॉर्चुगीज पोजिशन इन इंडिया सो यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी यूरोपियन पावर्स के उनके भी बड़े इंपॉर्टेंट जाते हैं सोर्सेस ये समझने में कि उस समय ब्रिटिश का क्या पॉलिसी रहा जैसे कि हमने अभी एंग्लो फ्रेंच की बात की एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की बात की उनके क्लैश की बात की तो हम देखेंगे कि जो फ्रेंच के खुद के डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये समझने में कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी में इनका क्या रोल रहा उसके बाद हम पॉर्चुगीज़ पोजेसन की बात करें तो जैसे पॉचुगेज़ का कंट्रोल गोवा में रहा क्योंकि हमें इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना है तो पॉचुगीज हिस्ट्री को हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं पॉच आज का गोवा आज ऐसा क्यों है क्योंकि उसका पास्ट ऐसा रहा हम सब जानते हैं कि भास्कोरिगामा फोर्टीन uh, में इंडिया में आते हैं गोवा कॉचिंग बाग जैसी जगहों पे पुडुचेरी पे फ्रेंच का कब्जा रहा तो इस तरह से हम बाकी यू नो फॉरेन पावर का के रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टू री द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश चेरा द डच रिकॉर्ड द कोचि द मालेबारा एंड द मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस एंड दो चिंसूरा इन द स्टेट आकर ऑफ द वेस्ट बंगाल द फ्रेंच आकर द चंदे नगर एंड पौडुचेरी नाउ दट पुडुचेरी पांडुचेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इट इसको पहले पंडिचेरी बोलते थे नाउ इट्स पुडुचेरी वो टेकन टू द पैरिस बाय द फ्रेंच अथोरिटीज़ बिफोर दे रियली सेटलमेंट्स एंड डैनिश आल्सो ट्रांसफर कॉपन हैगेन सो बेसिकली द डच सोल्ड मतलब बेसिकली ये पूरा यहाँ पे बात की जा रही है कि यू uh, नो you know, जितने भी यूरोपियंस हैं काफ़ी वो अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वो अपने साथ ही जैसे फ्रेंच पैरिस ले गए बाकी बाकी जगह ले गए सो so यहाँ पर बात की गई है इन्हीं सारी चीज़ों की Now let's talk about the judicial records. housed in a Madras record office. The archives of the Ma mayor's court at the Fort St. George, beginning from Fort St. George Matlab, Madras. Beginning from AD 16 to 89 are the earliest available judicial archives. The pre plassey record of the Ma mayor's court at the Fort Williams have been lost, but these but those for the era, you know. It, ईयर सेवनटीन फिफ्टी सेवन टू सेवनटीन सेवेंटी थ्री अ कैप्टन रिकॉर्ड रोम ऑफ द कैलकटा हाई कोर्ट अलॉन्ग विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगोल सो यहाँ पर जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगोल की अगर हम बात करें कैलकाटा हाई कोर्ट की बात करें मेयर कोर्ट की बात करें फोर्ट विलियम फोर्ट विलियम मतलब कैलकटा तो ये सारे रिकॉर्ड बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये जुडिशियल प्रोकल्प जो जैसे आज भी हम बात करें डी वाई चंद्रचूड़ जो हमारे आज के सी जी आए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो उनकी जितनी भी यू you नो know, uh, कोई भी जजमेंट अगर उन्होंने दी कोई डिसेंटिंग या नॉट दिया कोई भी तो जजमेंट को डॉक्यूमेंट किया जाएगा और उसको तो प्रिजर्व करके रखा जाएगा तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है एंड यहाँ पे वो बात की गई लेकिन ब्रिटिश पीरियड के समय की आगे बात कर लेते हैं पब्लिश्ड आर्काइव्स सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्काइवल पब्लिश Publications are the parliamentary public papers, which include many excerpts from the record of the East India Company and the governor, government of India under the Crown. Report of the parliamentary select committees, where you know various royal commissions constituted on a specific subject like education, civil reforms, and families, and parliamentary debates on the Indian Empire are indispensable. So the proceedings, you know, of the Indian and the provincial legislature, the weekly Gazette, and the published by the central and the provincial government.

सबसे अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल याद आ रहा है हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स याद कीजिए वो समय जब हम फेडरलिज्म पे हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे वो फेडरलिज्म पे बात कर रहे हैं डिबेट कर रहे हैं एक दूसरे को डिसेंड कर रहे हैं सो वो सारी चीज़ें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग क्या राय थी अगर हम यू नो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करें उन पर क्या राय थी उन पर उन मुद्दों पर क्या बाकी जैसे अगर अम्बेडकर की बात करें गांधी की बात करें उनका पूना पैक्ट वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें आएंगी एंड प्राइवेट आर्काइव्स की बात करते हैं ना सो प्राइवेट आर्काइव्स कम्प्राइजिस पेपर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड द फैमिली ऑफ नॉट हू प्लेट अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया द पीपल ऑफ़ द एमिनेंट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर हाउस इन अ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी इन अ न्यू डेली द आर्काइव्स ऑफ द बैंक एंड द बिजनेस हाउस इन द चेंबर्स ऑफ कॉमर्स स्टडी ऑफ द चेंजेस। सो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है प्राइवेट आर्काइव्स की प्राइवेट आर्काइव्स कौन से जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का हम सब जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई सरकारी संस्था नहीं थी मतलब 1937 के इलेक्शन से पहले हमें से कोई सरकारी संस्था नहीं मानेंगे वो एक पार्टी थी तो एक पोलिटिकल पार्टी की खुद के कुछ के खुद के कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर एंड पॉलिसीस होती हैं वो अगर हम बात करें तो वो प्राइवेट हाइपा में आएगा इसका एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जैसे कि गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट फिल ट्रूथ तो वो एक एग्जाम्पल हो सकती है इसका उसी तरह से नेहरू या बाकी लोगों के लेटर्स उसके एक एग्जाम्पल हो सकते हैं क्योंकि ये प्राइवेट है बड़ा एना फ्रेंक की डायरी को आप समझ सकते हैं प्राइवेट हाइपाइ का एग्जाम्पल क्योंकि वो बड़ा पर्सन है हमारी डायरी हमारी ऑटोबायोग्राफी ये सब प्राइवेट हाइप का इसमें आएगा इसमें फिर हम बात कर लेते हैं फॉरन रिपोजिट्रीज की हिस्टोरिकल मटीरियल रिलेटेड टू दिस्ट्री ऑफ द मॉर्डर्न इंडिया इज अवेलेबल इनपीरियल रूल्ड एंड पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनें एज वेल इन समर कंट्रीज टू द इंग्लैंड द इंडिया ऑफ इस रिकॉर्ड द लंडन एंड द रिक्ड कीप्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम आर वेरी वेल्यूएबल द इंडियन इंडिया ऑफ इस रिकॉर्ड प्रोजेस वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स

फ़ॉरन रिपोजिटरीज मतलब वो यू नो डॉक्यूमेंट्स या यू नो इम्पोर्टेंस और जो विदेशों में मौजूद हैं हम सब जानते हैं कि हम भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा लेकिन ये अंग्रेज अंग्रेजों का जो शासन रहा तो जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए गए वो इंडिया में ही नहीं प्रिपेयर किए गए बल्कि ब्रिटेन में खुद में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में प्रिपेयर किए गए सो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट्स थे इंडिया से जुड़े हुए वो ब्रिटिश म्यूजियम में आज इसके अलावा बाकी जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच है ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसका ये यही देखते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड यू नो कोड यू नो ये पूरा एक ब्रांच होता पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता था और ये क्योंकि हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेड क्वार्टर था वो लंदन में था लंदन बेस्ड मर्चेंट कंपनी थी वो लंडन so में उनके यू नो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड आकावेल मटेरियल है और वो आज ब्रिटिश म्यूजियम में रखा है सो so इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो जाता है फॉरेन डॉक्यूमेंट्स उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट। बायोग्राफीज मेमोर्स एंड ट्रेवल अकाउंट्स। बायोग्राफीज की बात कर लेते हैं सो मेनी ट्रेवल एंड ट्रेडर्स मिशनरी इन दिविल सर्वेंट्स हैव लेफ्ट अकाउंट ऑफ देशन ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया Important groups among these writers was that of the missionaries who wrote to the who wrote to encourage their respective societies to send more missionaries to India for the purpose of evangelizing and inhabitants in this genre Bishop Ye, these are you know very very you know Pura diya hai. I don't feel Diknacha let me just make you understand. Okay. बायोग्राफीज़ की बात करें तो वो टेक्स्ट हो जाएंगे या वो यू नो डॉक्यूमेंट्स जो कि किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं लेकिन वो उसने खुद ने नहीं लिखे हैं किसी और ने लिखे हैं ओके okay? लेकिन ऑटोबायोग्राफीज़ या मेमोरियल्स हो जाएंगे जो कि बेसिकली उस व्यक्ति ने खुद ने लिखे हैं खुद बया किया है जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ गांधी की ऑटोबायोग्राफी है मेमोरियल एक तरह से उसी तरह से ट्रेवल अकाउंट की बात करें जैसे फ्रांस बर्नियर का एक अकाउंट हो सकता है इसके अलावा थॉमस रो का एक अकाउंट हो सकता है चूंकि इंडिया आए तो इनकी ट्रेवल अकाउंट हो सकते हैं इस तरह से हमें समझना है इस चीज़ को यहाँ पे फिर दिए हुए हैं कि किस तरह से यू नो ईस्ट इंडिया कंपनी से काफ़ी वो लोग आए जो इंडिया में क्रिश्चन क्रिश्चानिटी में लोगों को कन्वर्ट करना चाहते थे बिशप्स तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं एंड उनके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है नॉलेट स्टोक अबाउट द न्यूज़पेपर पेपर इन द जर्नल्स सो न्यूज़पेपर जनरल नाइन्टीन सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी में आने लगे क्योंकि एक लेट एमरजेंसी क्योंकि प्रिंट लेट आया इंडिया में और उसका यू नो पॉपुलैरिटी भी बहुत धीरे धीरे आई है इंडिया में सो so, इसलिए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का एडवेंट थोड़ा लेट होता है कुछ कुछ न्यूज़पेपर मैगजीन्स का नाम याद रखेंगे जैसे तिलक का महाराठा गांधी की यंग इंडिया मैगजीन उसके बाद हरिजन भी गांधी की थी इसी तरह से आ, कुछ कुछ याद रखेंगे न्यूज़पेपर्स की बात करें द हिंदू समय हुआ करता था ट्रिब्यूने और बाकी न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे तो इन न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री ऑफ दैट पीरियड ऑल्सो एंड द बंगोल इज़ वन ऑफ दैम ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जेम्स ऑगस्टस हिक्की का एक इम्पोर्टेंट जिन्होंने फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश किया द बंगोल गेज़ेटे विच इज़ ऑल्सो उन्होंने द कैलकाटा जनरल अवेयरनेस एडवरटाइजर्स जो कि सेवनटीन एटीज में आया आफ्टर दिस वीयर द कल कैलकाटा जो कि सेवनटीन एटी फोर में है मद्रास कुरियर जो सेवनटीन एटी एट में है बॉम्बे हेरल्ड जो कि सेवनटीन एटी नाइन में है इसके अलावा द हिंदू स्वदेशी मित्रन द केशरी महारट्टा जो कि अभी मैंने बताया तिलक का था बाल गंगाधर तिलक का जी you सुब्रमण्यम मनिया अय्यर का know, यू नो जिन्होंने द हिंदू को कहीं ना कहीं एडिटर किया उसका एडिटरशिप की बेंगोली सुनिंद्रनाथ बनर्जी का है अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष का है मोतीलाल घोष का है सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का है इंडियन मिरर है एन एन सेन का वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नरोजी जो कि जिनका काम है ड्रेन ऑफ वेल्थ पे हिंदुस्तान एंड एडवो हिंदुस्तान एंड एडवोकेट ये किसके हैं जी पी वर्मा के इसके अलावा ट्रिब्यूनल की बात करें या अकबर आम जो कि पंजाब के थे इंदू प्रकाश दया देखिए बहुत सारे हैं इसमें गुजराती इन बॉम्बे सोम प्रकाश बांगावासी सुधारणी यू नो लॉर्ड्स ऑफ न्यूज़ पेपर आते हैं लॉर्ड्स ऑफ न्यूज़ पेपर इंडियन सोशोलॉजिस्ट ओके तलवार जो बर्लिन से यू you नो know, गदर जो कि सैन फ्रांसिस्को से शुरू किया गया लाला हरदयाल ने शुरू किया था जो कि गदर पार्टी का एक यू you नो know, वो था newspaper. अब बात कर लेते हैं ओरल एविडेंसेस की ओरल हिस्ट्री की बात करें अगर हम तो ओरल हिस्ट्री को यूज़ किया जा सकता है जैसे कि पार्टीशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं सो देर आर मैनी पीपल जो कि पार्टीशन जिन्होंने विटनेस किया तो पार्टीशन का उनका खुद का लिव्ड एक्सपीरियंस क्या रहा वो हिस्टोरियन उनके बेसिस पे हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं पार्टीशन की मेमोरीज़ क्या थी उनकी क्या किस तरह के यू नो राइट्स हो रहे थे वो सारी चीज़ें कवर की जा सकती हैं थ्रू ओरल एविडेंसेस आई गेस यू आर गेटिंग वट एम ट्राइंग टू आर्ग्यू नाव लेट्स अंडरस्टैंड द क्रिएटिव लिटरेचर सो क्रिएटिव लिटरेचर में द फर्स्ट इंपोर्टेंट राइट ऑफ दट पीरियड वॉज द फेमस बेंगोली नॉवलिस्ट ओके दिस इज वट आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड बांकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिनका नॉवल है अनंद मठ एंड आन, अनंत मठ पे मेरा काम है और अनद मठ बड़ा पॉपुलर है क्योंकि आनंद मठ से ही हमने वंदे मातरम लिया है जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग गया आज आनंद मठ एक यू uh, नो you know, नॉवल है जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है चटर्जी भी बोलते हैं इनको जो कि बंगाल से थे इसमें बात करते हैं मदर इंडिया की तो फर, ये इसलिए भी फर्स्ट टाइम ऐसा समझा जाता है कि इट्स अ फर्स्ट नावल जहाँ पे इमेजिन किया गया इंडिया को एज़ अ यू नो डेटी आप कह सकते हैं एज अ भारत माता इसके बाद और भी बहुत सारे हैं जैसे कि यू नो राजा सिम्हा है उसके अलावा है हिंद ब्रिटेनिका यू नो लॉट्स ऑफ You know. now नो come लेट्स कम टू paintings पेंटिंग्स paintings, पेंटिंग्स uh, paintings, सुनते ही आपके दिमाग में अविंद्र नाथ टैगोर की भारत माता की वो जो पिक्चर है वो आनी चाहिए क्योंकि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अलावा यहाँ बुक में भी दिए हुए हैं जैसे कि पटना कलाम चूँकि पैट्रोनेज ईस्ट इंडिया कंपनी के यू you नो know, से फ्लर्श किया और बाकी सारी चीज़ें होपुल यहाँ पर uh, थॉमस जॉन बेकर रिलीफ ऑफ लखनऊ ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 1857 के रिवोल्ट के बारे में बात करते हैं देखा रिलीफ ऑफ लखनऊ एक पोर्ट्रे या पिक्चर आप कह सकते हैं जो कि ब्रिटिश पीरियड या ब्रिटिश यू नो पेंटर ने बनवाई बनाई थी जिसमें दिखाया गया किस तरह से यू नो अठारह में जो विद्रोही थे रिवोल्टर्स थे उनको कुचलने के बाद ब्रिटिश वापस अपनी हुकूमत को किस तरह से इस्टबलिश कर रहे हैं ला रहे हैं उसके बारे में है ये पूरा और भी बहुत सारी पेंटिंग्स यू नो इन मेमोरियम जो कि जो सपनॉल पेटोन ने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया पेंट किया है जो कि दिखाता है यू नो एट्रोसिटीज़ को समय की ये 1857 से जुड़ा हुआ है इसके अलावा रानी लक्ष्मी की भी रविंद्र नाथ टैगोर का दिया हुआ है अविंद्र नाथ टैगोर दिया हुआ जिन्होंने भारत माता को यू नो सोनीफाई किया था इसी तरह से दिस इज़ आर एंड ऑफ द चैप्टर होपफुली फुल्ली आपको चैप्टर समझ में आओगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ओके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो इस तरह की आपको अच्छी लगती है और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो